बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ऑल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग के किचन में आप सबको खुशामदीद। आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी बन रही है, शिमला मिर्च और आलू ढाबा स्टाइल। मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह बनेगी, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। एंड तक देखिएगा, पूरी वॉच कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ आएगी और आप इस तरह की अच्छी सी मज़ेदार सी सब्ज़ी जो है वो बना पाएंगे। तो सबसे पहले हमने घी लिया है और घी हसब ज़रूरत लिया है, तकरीबन आधा कप है मेरे पास घी, तो मैंने गरम कर लिया है। आधा चाय का चम्मच हम डालेंगे ज़ीरा और ज़ीरे को थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे, ठीक है। तकरीबन आधा मिनट हम ज़ीरे को कड़कड़ा लेंगे। ज़ीरे को हमने कड़कड़ा लिया है, आप देखें। और अब हम इसमें एक अदद बड़े साइज़ की या दो अदद दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज, जिसको तकरीबन हमने चॉप किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, झटपट बनने वाली रेसिपी है। लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है, मेरी हौसला अफजाई होती है। प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दें ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी से पूरा हो जाए। मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स किया करें, ताकि मुझे अच्छा लगे, मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए आने वाले तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो ये प्याज जो है हमने ब्राउन नहीं करनी, बस हल्की सी इसको सौते करेंगे हम। प्याज हो गई है जी हल्की सी हमारी सौते हो गई है। अब हम इसमें एक बड़ा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको एक मिनट तक पका लेंगे। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, लेकिन हो भी जाती है, क्योंकि बताना सब चीज़ डिटेल में ज़रूरी होता है। और आप लोग जो है वो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देख लिया करें। और लहसुन अदरक डालते ही बड़ी अच्छे से खुशबू आना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये देखिए, अब तकरीबन एक मिनट हमने इसको हमने सौते कर लिया। और अब हम इसमें डेढ़ पाव कटे हुए आलू, जो कि हमने छोटे साइज में काटे हैं बिल्कुल, वो डाल दिए हैं, ठीक है। ये देखें, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, मैं आपको बता रही हूँ कि ढाबा स्टाइल रेसिपी है ये। इंशाल्लाह आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ढाबे पर बैठ के खा रहे हैं। इसको हम दो से तीन मिनट जो हैं आलूओं को फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से जो आलू हैं वो हमारे क्रिस्पी रहेंगे पहले आलू फ्राई करने से, खड़े खड़े रहेंगे आलू हमारे गलने के बाद भी। तो अच्छे से हम आलूओं को फ्राई कर लेते हैं। तो आलू हो रहे हैं हमारे फ्राई, देखें, साथ में प्याज भी हो रही है, साथ साथ ये साइडों से उतारते जाएं ताकि जले ना, इससे सालन का टेस्ट जो है ना वो बहुत ख़राब हो जाता है। तो दो दर्द हरी मिर्चें कटी हुई वो भी शामिल कर देते हैं हम इसमें, ठीक है। और आलूओं को मज़ीद फ्राई कर लेते हैं। शिमला मिर्च की खुशबू जो है वो तमाम सब्जियों से अलग होती है, हर तरीके से अच्छी लगती है। आलूओं में पकी हुई, कीमे में पकी हुई, गोश्त में, चिकन में, और स्पेगेटी, पास्ता, नूडल्स में डाल के, किसी भी तरह सूप में डालें, बहुत अच्छी लगती है। तो देखें जी, हमारे आलू जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं फ्राई। अब हमारे पास है एक अदद कटी हुई, छोटे साइज़ में कटी हुई टमाटर, और नीचे इसके दही है, और तकरीबन दो तीन खाने के चम्मच दही है। आप फेंट के दही को डालें, और ये देखें इस तरह हमने इसको मिक्स किया अच्छा सा। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल मैं आपको बता रही हूँ, इंशाल्लाह आपको सब्ज़ी जब बनाएंगे बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत मज़ा आएगा आपको खाकर, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, अब फ्लेम को हमने करना है दम वाला, दम वाली आँच पे हमने इसको 6 से 7 मिनट जो है ना रखना है ढककर, ठीक है, ताकि हमारे आलू जो हैं वो काफ़ी हद तक गल जाएं। आलू को ढके हुए तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं, तो हमने ढक्कन उठाया है और आलू अल्हम्दुलिल्लाह गलने के करीब हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। हसबे जायका नमक मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है, आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चाय की चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी कलौंजी। बिस्मिल्लाह।
हैं। नमक मिर्च आप अपनी मर्जी के मुताबिक ले लें जितना आप खाते हैं। अब हम इनको भून लेंगे कुछ देर के लिए, ठीक है। पानी हमने इसमें शामिल नहीं किया। शिमला मिर्च है आधा किलो, जिस तरह आप काटना चाहते हैं बारीक मोटी काट लें। मैंने भी इसको दरमियाने साइज में काटा, ना बहुत ज़्यादा मोटी ना बहुत ज़्यादा बारीक। और इसको भी हम इसके साथ ही भूनेंगे। अच्छा जी, तकरीबन 4-5 मिनट मैंने इसको भून लिया है अच्छा सा, और ये भून गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं, दम वाला फ्लेम कर देते हैं। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, खोलते हैं ढक्कन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह, इसकी लुक देखें। अब हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालते हैं आधा चाय का चम्मच, और गरम मसाला पाउडर डालेंगे आधा चाय का चम्मच, और इसको मिक्स करके 2 मिनट के लिए दम लगाएंगे। आलू बहुत अच्छे गल चुके हैं, शिमला मिर्च बहुत अच्छी गल चुकी है, और सब कुछ बहुत ही अच्छा हो गया है। अब हम फ्लेम को जो है ना दम पे ही रखेंगे, लेकिन 2 मिनट के लिए हम इसको दम लगाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। 2 मिनट बाद ही ढक्कन उठा दिया है, और आपने देखा कि इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखें, अब मैंने फ्लेम को जो है ना वो तेज़ कर दिया है। अब हम तेज़ फ्लेम पर 1 मिनट इसे पकाएंगे। साथ में हम हरी मिर्च कटी हुई और हरा धनिया जो है ना वो डाल देंगे, ठीक है। तो आज की रेसिपी के लिए ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। कैसी लगी है आपको? नए आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें, और ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले जब भी वीडियो अपलोड करूं। तो देखें आज की ज़बरदस्त किस्म की हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त शिमला मिर्च ढाबा स्टाइल में आलू और शिमला मिर्च तैयार हो गए हैं। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा।